हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपसे कि जो एक्सोरा है इसमें फूल क्यों नहीं आते हैं, फ्लावरिंग क्यों नहीं हो रही है। ये जो प्लांट ज़मीन में लगे रहते हैं, ग्राउंड में, उनके संग तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो प्लांट हम लोग गमलों में लगा देते हैं उनमें फ्लावरिंग कभी कभी नहीं भी होती है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। जब हम लोग नर्सरी से प्लांट्स खरीद के लाते हैं इसके, तो उस समय वहाँ पर खूब अच्छी फ्लावरिंग हो रही होती है, खूब सारे फूल खिले होते हैं। लेकिन वही प्लांट जब गमले में लगाते हैं तो एक सीज़न पूरा, मतलब एक फ्लावरिंग सीज़न तो वो चलते हैं फूल, लेकिन जब अगला साल आता है, नेक्स्ट ईयर, उसमें फूल उतने अच्छे नहीं आते जितने कि पहले अच्छे आते हैं। तो ऐसा क्या कारण है? दोस्तों, होता यूँ है कि जब नर्सरी से प्लांट हम लोग लेकर आते हैं तो नर्सरी में ही उस प्लांट की मिट्टी में वो सभी पोषक तत्वों को डाल दिया जाता है जिसकी कि प्लांट को आवश्यकता होती है। जब वो प्लांट हम लोग गमलों में लगा लेते हैं तो धीरे धीरे वो सभी पोषक तत्व प्लांट जो है वो कंज्यूम कर लेता है, इस्तेमाल कर ले जाता है। फिर जो है हम लोग उनको वो चीज़ें दे नहीं पाते हैं तो प्लांट अपनी फ्लावरिंग को बंद कर देते हैं। तो इसलिए इस सबको हमें बताएंगे कि कौन कौन से पोषक तत्वों को देना चाहिए इसमें। इसमें जो है फ्लावरिंग, ये गर्मी में अप्रैल से चालू हो जाती है, अक्टूबर तो खूब आराम से चलती है। इसको जब भी आप अगर नर्सरी से ला के प्लांट लगाते हैं तो आप चाहे प्लास्टिक के गमले में लगाओ, चाहे टेराकोटा में लगाओ, मिट्टी में, किसी के भी गमले में लगाओ, लेकिन 7 इंच और उससे बड़े ही गमले में लगाइएगा। और इसको जो है धूप, सूरज की जो धूप है ये अच्छी चाहिए लगती है। कम से कम 5 घंटे की सूरज की रोशनी ज़रूर दिखाइए। उस 5 घंटे में आप ऐसा मत करना कि पेड़ों से छन छन के रोशनी आए, ऐसा ना आए, डायरेक्ट आए तो ज़्यादा अच्छा है। और ग्रीन नेट के नीचे आप रख सकते हो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग के यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान में इतनी तेज़ गर्मी इस समय पड़ रही है कि पत्तियाँ जो हैं वो बर्न सी हो रही हैं। तो इसलिए इसको आप थोड़ा बहुत तो वो चल सकती है, लेकिन कोशिश करिएगा कि 4 घंटे की तो डायरेक्ट सूरज की रोशनी ज़रूर पड़े इसको। दूसरी बात दोस्तों, इसको अगर आप नर्सरी से लेकर के प्लांट आते हैं तो इसको जो है इसकी मिट्टी बनाने का हम बता रहे हैं कि इसको हल्की एसिडिक मिट्टी पसंद है। वो बताते हैं कैसे बनेगी। ये वाला जो प्लांट है इसकी मैंने कटिंग ग्रो करी थी, वो हम आपको कटिंग दिखाते हैं कहाँ है, उसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। ये है देखिए इसकी कटिंग, इसको लास्ट ईयर हमने लगाया था कटिंग से और इस साल इसने फ्लावरिंग शुरू कर दी है। वैसे इसको कटिंग से कैसे ग्रो किया जाता है इस पर भी हमारा वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप देख सकते हो। हाँ, तो दोस्तों इसको जो है हल्की एसिडिक मिट्टी पसंद है, हल्की नहीं, एसिडिक मिट्टी पसंद है एक्सोरा को। तो आप जो है इसके लिए मिट्टी बनाओ, उसमें आप गार्डन सॉइल में कोकोपीट बराबर मात्रा में मिला दो और जितनी गार्डन सॉइल है उसकी आधी कंपोस्ट मिला दीजिए। कोकोपीट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोकोपीट जो होती है वो एसिडिक नेचर की हल्की सी होती है, तो उसके लिए अच्छी है। कंपोस्ट भी एसिडिक नेचर की होती है। और बालू मिला सकते हैं, लेकिन मतलब अगर कोकोपीट नहीं है तो वो ऑप्शन है बालू का, लेकिन उस मात्रा में फिर आप कंपोस्ट की मात्रा ज़्यादा बढ़ा लेना। दूसरी बात दोस्तों, इसकी और हम बताते हैं आपको, प्लांट निकाल लें वहाँ से, हम अपना ये वाला पीछे लगा हुआ है मेरा इधर, इसकी आज सुबह मैंने मिट्टी हटाई है। एक्चुअली मैं मुझे कुछ चेंज करना था तो मैंने सोचा आप ही के सामने करो, तो ऊपर मैंने पूरी 2-3 इंच मिट्टी इसकी निकाल दी है। तो फ्रेंड्स, इसकी मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये मेरा 14 इंच का गमला है, 14 इंच का गमला है, इसमें मैं जो हूँ अंदाज से मैं बता रही हूँ, इसमें मैं 2 टेबल स्पून चाय की पत्ती डाल रही हूँ। ये वही चाय की पत्ती है जो कि हम लोग चाय बनाने के बाद जो निकलती है उबली हुई ना, उसी को धो करके अच्छी तरीके से सुखा लिया है, वो इसमें हम डालेंगे। ये जो है हर 20 डेज़ में हम करेंगे, हर 20 डेज़ में चाय की पत्ती डालेंगे और इसको चाय की पत्ती को धो करके सुखा लिया। सुखा लेने से इसमें जो जर्म्स, जवाइंग फंगस वगैरह वो मर जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें जो है हम कंपोस्ट मिला रहे हैं, पूरा मैंने 2 इंच मिलाया है, यही मेरे लिए पर्याप्त होगा। अब इस सीज़न में हम कंपोस्ट नहीं मिलाएंगे, पूरा मैंने ऊपर तक 2-3 इंच तक भर दिया है जितनी मिट्टी निकाली थी। ये वही कंपोस्ट है जो कि मैंने ट्रस्ट बास्केट कंपोस्टर का जो मैंने वीडियो बनाया था उसी में जो कंपोस्ट बनी थी, उसी कंपोस्ट को मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें। तो इसमें ये जो कंपोस्ट है ये पर्याप्त है, अब ये अक्टूबर तक यही चलेगी।
इसके बाद दोस्तों कि अगर आप एक्जोरा प्लांट जहाँ लगा है वहाँ पर आसपास कोई दूसरे प्लांट्स लगे हों तो उसको बिल्कुल हटा दीजिए उस गमले से, क्योंकि हम लोग जो भी न्यूट्रिएंट्स डालेंगे, पोषक तत्व डालेंगे, वो भी खींच लेंगे, तो इसके लिए हमें फिर बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा, जल्दी जल्दी हर हफ्ते में डालना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर आपके एक्जोरा प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है या फिर हो रही है, तो फूलों को आप इस तरीके से हटा जरूर दीजिए, क्योंकि जो एक्जोरा का जो फ्लावर का बंच है, गुच्छा जो है, वो हमेशा नई ब्रांच में खिलता है। तो इसके लिए जब नई ब्रांच बनेगी तभी खिलेगा। नई ब्रांच सपोज़ नई बन रही है तो थोड़ा सा पिंच कर दोगे आप तो वहाँ से नई ब्रांच पैदा होगी। यहाँ पर मैंने पिछली बार अक्टूबर में कटिंग कर दी थी, तो इस बार देखिए ये दो ब्रांचेस निकली हैं, ये एक इसमें भी देखिए ये फूल का ये बंच बन रहा है, और एक ये ब्रांच निकली है, इसमें भी फूलों का बंच बन रहा है ये। तो इसकी अगर आपकी बिल्कुल नहीं हो रही तो थोड़ा थोड़ा टिप इसकी काट दीजिए। अच्छा, ये काम मत करिएगा कि हम लोग क्या होता है फूल सूख जाते हैं तो ऐसे ही हाथों से हटा देते हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, क्योंकि कई बार एक्जोरा जो है वो बीज भी बनाने लगता है। अभी हमने आपको पहले शुरू में दिखाया था वीडियो में, तो वो बेरीज़ ना बने इसमें, वो बेरीज़ बनती हैं तो फ्लावरिंग और कम हो जाती है। तो आप जो है पूरा उसको कहते प्रूनर से उसको काटिएगा, कैंची वगैरह से काटिएगा, तो हमेशा नई ब्रांच को ही आपको करिएगा। यहाँ पर देखिए ये भी ब्रांच काट दी थी, तो दो नई जब इस ब्रांचेस आई हैं तो उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है। इसके नेक्स्ट स्टेप ये है फ्रेंड्स कि इसको जो है आप पानी दीजिए, ऐसा पानी दीजिए कि मिट्टी में हर टाइम हल्की सी नमी बनी रहे लेकिन सौगी ना हो, ये ध्यान रखना। इसको हल्की सी मॉइस्ट मिट्टी पसंद है। साथ में इसमें कभी कभी जो है कीड़े मकोड़े मिलीबग्स वगैरह लग जाते हैं, तो सबसे इजी सॉल्यूशन यही है कि आप तेज पानी की धार मार करके इस समय हटा दो। मौसम ठीक हो जाता है तो नीम ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ अभी पानी की तेज़ धार से प्लांट को साफ़ करते रहो। और इसमें जो है वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन इस टाइम पर फ्लावरिंग टाइम जब बन रहा है तो आप गोबर खाद मत डालिएगा। गोबर खाद इसलिए नहीं डालिएगा कि गोबर खाद में नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी रहती है, उससे इसमें पत्तियों का विकास होगा, पत्तियों की ग्रोथ होगी लेकिन फ्लावरिंग नहीं होगी। आप बोन मिल डाल सकते हो, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हो। हाँ, जो मैंने एक गोबर खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया था वो ज़रूर आप डाल सकते हो, वो लिक्विड फर्टिलाइज़र फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों के लिए अच्छा है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डायरेक्ट गोबर खाद अभी बिल्कुल मत डालिएगा इस सीज़न में। फ्रेंड्स, यही सब छोटे छोटे से टिप्स थी, आप इनको फॉलो करिए, आपका प्लांट ज़रूर फ्लावरिंग करेगा। अभी अक्टूबर तक का समय है आपके पास दोस्तों। ठीक है, पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।